कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। कॉन्स्टिपेशन आपकी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जब आपका जो बावल मूवमेंट है वो कम हो जाए, यानी कि कब बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन, जब आपका जो लैट्रिन है वो हफ्ते में 3 या 3 बार से कम हो जाए, उस मेडिकल कंडीशन को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। ऐसा माना जाता है कि हर चौथे आदमी में एक आदमी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ज़्यादातर पॉपुलेशन इस कब्ज से गुजर रही है। हाय फ्रेंड्स, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूँ आपको इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्या होता है कॉन्स्टिपेशन, कौन से लोग इसके खतरे पे आते हैं और कॉन्स्टिपेशन होने के बाद क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और उसके साथ ही साथ कैसे हम लोग उसको ट्रीट करें, ये सारी चीज़ें मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस डिटेल वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँच सके। सबसे पहले देखते हैं कॉन्स्टिपेशन। बात करें अगर हम कॉन्स्टिपेशन की, तो कॉन्स्टिपेशन आपकी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि अगर आपको जो बावल मूवमेंट है वो हफ्ते में 3 या 3 बार से कम हो रहा है तो हम लोग क्राइटेरिया बनाएंगे कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका दो तरीके का होता है, दो तरीके का इंसेंस। नंबर वन जो आपका है वो एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है और नंबर टू क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन में आपका जो बावल है यानी कि लैट्रिन आपकी जो है वो आपका 10 या 15 दिन में ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में यही सिम्टम्स आपका लगातार, आपको कॉन्स्टिपेशन 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा बना है तो उस हमको कंडीशन में बोलेंगे कि आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है। ऐसे लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का खतरा ज़्यादा होता है। सबसे पहले मैं ऐसा मान बताऊंगा आपको, साइंस ऐसा मानती है कि उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का खतरा ज़्यादा होता है जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है, जो लोग मोटापे की तरफ बढ़ते हैं, यानी मोटापा अगर आपको है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसके साथ ही साथ बढ़ती हुई उम्र के साथ भी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। क्यों उम्र के बाद कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, अगर मैं बात करूं तो एक एज के बढ़ती हुई एज के साथ जो आपका जो बावल है मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको जो कॉन्स्टिपेशन है वो देखने को मिल। महिलाओं में भी कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बात करी है अगर महिलाओं की तो मूवमेंट्स में ही अगर कॉन्स्टिपेशन के जो सिम्टम्स हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो नेचुरल है क्योंकि आफ्टर द डिलीवरी जो उनका जो कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स है वो आप कम बैक हो सकते हैं। साथ जो लोग पानी कम पीते हैं यानी कि उनकी बॉडी अगर डिहाइड्रेटेड है तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ वो लोग कॉन्स्टिपेशन की तरफ ज़्यादा प्रोन होते हैं जिन लोगों में जो एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी है, बहुत कम देखने को मिलती है, यानी कि वो दिन भर बैठे रहते हैं, अपना काम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, नहीं करते हैं, उन लोगों में कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ अब मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर ऐसे लोगों को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो क्या क्या सिम्टम्स उनको आएगा, कैसे वो पहचान सकते हैं कि वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। बात करूं मैं अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो उसको जो पहला सिम्टम्स देखने को मिलेगा कि वो जब लैट्रिन करने के दौरान उसका जो स्टूल है बहुत ज़्यादा हार्ड हो। जी हार्ड के साथ साथ, क्योंकि अगर ये सिम्टम आपका डिहाइड्रेशन की वजह से है यानी कि कम पानी पी रहे हैं तो ये जो आपका स्टूल है ये ड्राई होगा, क्योंकि जो आपका स्टूल लैट्रिन टाइट हो रही है जिसकी वजह से आपको पेनफुल भी होगा, यानी कि आपको पेन भी होगा बाउल के दौरान। उसके साथ साथ अगर ये बहुत क्रोनिक है तो आपको जो लैट्रिन का रास्ता यानी कि एनस, वहाँ की जो टिश्यू है, सेल्स हैं, वो कट भी जाती है तो आपको ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा पेन होता है कि बर्दाश्त नहीं होता उनको, और उसके साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा अपने स्टमक में यानी पेट उनको दबाना पड़ता है अपने बैली को ताकि वो अपना स्टूल आराम से पास कर सके। उसके साथ साथ ऐसे मरीजों में ब्लोटिंग के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि सवेरे सवेरे जब वो उठेंगे तो उनका जो पेट है वो फूला हुआ होगा। इसके ब्लोटिंग के और भी बहुत सारे सिम्टम कॉजेस हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन भी मुख्य कारण माना जाता है। और मैं आपसे बात करूं तो कॉन्स्टिपेशन में जो आप मरीज है उनको हमेशा ऐसा महसूस होगा कि उनका पेट सही से साफ नहीं हुआ, खाली नहीं हुआ, यानी कि उनका जो पेट है वो भरा भरा महसूस होगा। अब
क्योंकि सिम्टम्स आपने देख लिए, आखिर इसको हम दूर कैसे करें? क्योंकि आपको अगर ये जो है नेचुरल की वजह से है, तो आप अपने सिम्टम्स को पहचानें और उसके साथ साथ इसको दूर करें। बात करूं मैं आपसे, अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो अपनी जो डेली रूटीन है उसमें आप वाटर को ऐड कर लीजिए, यानी कि ज़्यादा फ्लूड का इंटेक कर लीजिए। आप जूस भी पी सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम लिक्विड इंटेक हो सके उतना आप लीजिए। उसके साथ साथ सेकंड नंबर की मैं जो आपसे बात करूंगा वो है आपका फाइबरस फूड अपने डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। फूड में फाइबरस फूड इन सेंस, यानी कि ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल्स खाइए जो कि फाइबर्स रिच हैं। जैसे मैं बात करूँ आपसे कि आप फ्रूट्स में एप्पल खाइए, पपाया पपीता खा सकते हैं, फ्रूट्स में आप बनाना नहीं खा सकते, खा सकते हैं इनसे, बट साइंस ऐसा मानती है कि बनाना में ऐसी प्रॉपर्टी या फिर फाइबर्स टिश्यू होते हैं जो कि आपकी लैटिन को टाइट करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में बढ़ा दीजिए, यानी कि अगर आप 10 टू 20 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज करते हैं तो आप कॉन्स्टिपेशन ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सारी फिजिकल यानी कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर से, डिजीज से बच सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो गया आपका, या फिर ब्लड शुगर, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे आप एक्सरसाइज के थ्रू बच सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपसे बात करूं तो कुछ आप सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हैं अपनी डाइट में जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन से बचा सके। और अगर यही कॉन्स्टिपेशन आपका सीवियर की तरफ बढ़ रहा है तो आपको तुरंत मेडिकल सहारा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें अपने डेली रूटीन में चेंज करके देख चुके हैं, आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो आपको तुरंत मेडिकल सहारा लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये आपका किसी गंभीर बीमारी की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, अगर आपकी आंतों कोलॉन्स में अगर कोई ब्लॉकेज है उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। और मैं आपसे बात करूं आईबीएस यानी इरेगुलर बाउल सिंड्रोम, उसमें भी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारी बीमारी हैं जिनमें कि आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। और मैं आपसे बात करूं इसके कॉम्प्लिकेशंस में, अगर आप लॉन्ग समय तक कॉन्स्टिपेशन का इलाज नहीं करवा रहे हैं तो आपको और भी इससे रिलेटेड बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि बात करूं मैं आपको हीमोराइड यानी कि बवासीर, इसका भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ एनल फिसर भी अगर आपको लगातार कॉन्स्टिपेशन है तो हो सकता है, यानी कि भगंदर। तो ऐसे बहुत सारी डिजीजेस हैं जो कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो इसके लिए आपको जो अपना डेली रूटीन है इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको मेंटेन रखें। ट्रीटमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर ये आपका नेचुरली है तो आप इसको अपना लाइफस्टाइल या रूटीन चेंज करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर यही आपका ठीक नहीं हो रहा है तो आपको तुरंत मेडिकल सहारा लेना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्स्टिपेशन और भी बीमारी को बुला सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ट्रीटमेंट में मैं आपसे बात करूं, इसमें आपका जनरली ऑस्मोटिक्स ड्रग्स दिए जाते हैं और भी कई तरीके के ड्रग्स या फिर सिरप्स दिए जाते हैं जिसमें कि आपका जो फाइबरस इनटेक ज़्यादा होता है। जैसे कि बात करूं लैक्टुलोज सिरप आपका एक ऐसा सिरप है जो कि फाइबरस कंटेंट ज़्यादा है, एक तरीके से सप्लीमेंट्स का काम करता है, जिससे कि आपका जो स्टूल है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगा, आपको इन सारी प्रॉब्लम से निजात दिलाएगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में आपसे बात की कि क्या क्या कॉन्स्टिपेशन के रिस्क हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँच सके। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस चैनल को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।